आए दिन बाइक चोरी और मोबाइल चोरी। सेवा पंचायत के युवक का बाइक पर छिनताई। किसी घटना को लेकर जमुई पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर अपराधी को पकड़ने में लगे थे। देर रात गिधौर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान में शामिल गिधौर थाना प्रभारी दीपक कुमारी, एसआई अंश कुमार, एएसआई राजेश्वर साहा, टेक्निकल सेल के साथ अपराधी को अलखपुरा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने मोबाइल बाइक बरामद की है। जिस तरह से गिधौर थाना प्रभारी ने कांड का उद्भेदन किया है, कहीं न कहीं अब अपराधियों की खैर नहीं है। बताइए सर, क्या मामला है? क्या मामला है सर, बताइए। 29 जनवरी को गिद्धौर के सेवाग्राम के निवासी पुष्पेंद्र कुमार द्वारा अपनी बाइक एवं उसकी डिक्की में रखे मोबाइल की गिद्धौर रेलवे स्टेशन परिसर से चोरी हो जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिद्धौर थाना द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 28/2024 दर्ज करते हुए अग्रेतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में गिद्धौर थाना अध्यक्ष रीता कुमारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना एकत्रित करते हुए साथ ही साथ स्थानीय आसूचना की मदद से सफलतापूर्वक इस कांड में जो चोरी किया हुआ मोबाइल था उसको सर्वप्रथम बरामद किया गया और उसके साथ साथ इस अपराध में लिप्त एक व्यक्ति दीपक कुमार, पिता स्वर्गीय लखन यादव, ग्राम अलखपुर, थाना गिद्धौर, जिला जमुई को गिरफ्तार किया गया। पुनः उसकी निशानदेही पर जो चोरी किया हुआ बाइक था उसको ग्राम दिघरा से एक उनकी निशानदेही पर उनके बताए जगह पर बाइक को बरामद किया गया है। इस तरह से पूरे जो घटनाक्रम है उनका समयबद्ध उद्भेदन करते हुए घटना में जो जो चीज़ें जो पीड़ित थी उनकी चुराई गई थी उसको पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। इसमें और किसी की संलिप्तता है क्या? हाँ, अब तक के अनुसंधान में अन्य संलिप्त होने की जानकारी मिली है। पुलिस द्वारा उन सभी के खिलाफ अनुसंधान, छापामारी एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के अनुसंधान में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है। हम लोग अन्य थानों से संपर्क में हैं और एकत्रित कर रहे हैं। सुनने में आ रहा सर इसके एक और जो है सहयोगी है वो बंगाल में है शायद। पुलिस को जो उनका अद्यतन लोकेशन है वो प्राप्त हुआ है और पुलिस उनकी छापेमारी एवं गिरफ्तारी के लिए सभी विधि सम्मत तरीके अपना रही है। ठीक है।